हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डॉल्फिन अप्लायंस चैनल। आप सभी का खूब स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ शुगर केन मशीन की एक विशाल रेंज लेके आया हूँ, जिसके अंदर बहुत सारे अलग अलग मॉडल्स है। दोस्तों, खाली शुगर केन मशीन है, बैटरी ऑपरेट शुगर केन मशीन है, चिलिंग प्लांट शुगर केन मशीन है, शुगर केन मशीन कार्ट है। तो दोस्तों, ये वीडियो के अंदर मैं आपको पूरी डिटेल्स दूंगा। दोस्तों, शुगर केन मशीन क्या होती है, कैसे ऑपरेट होती है, क्या फंक्शन होता है, क्या सिस्टम होता है उसके अंदर, और क्या क्या नए नए सिस्टम आप इसके अंदर अपडेशन कर सकते हो। दोस्तों, तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक आप देखिए। दोस्तों, वीडियो हम बहुत ही छोटे बनाएंगे, विद इन 5 to 6 मिनट के अंदर वीडियो को फिनिश करेंगे। दोस्तों, तो वीडियो को स्टार्ट से लेकर एंड तक आप पूरी देखिए दोस्तों, जिसमें आपको ज्यादा डिटेल, ज्यादा जानकारी, ज्यादा नॉलेज मिले। दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, मैं स्टार्ट करता हूँ हमारी सबसे पहली शुगर केन मशीन कार्ट, जो हमारे कस्टमर ने ऑर्डर दिया हुआ था, जो विथ चिलिंग सिस्टम है दोस्तों, जिसके अंदर कंप्रेसर कूलिंग सिस्टम इनबिल्ट है। दोस्तों, इसके अंदर ना तो आपको बर्फ डालना है, ना तो फ्रिज में रखना है, सीधा लाइव टू लाइव फ्रेश शुगर केन का जूस ठंडा वो चिल्ड होकर निकलेगा दोस्तों इसमें से। प्लस इसके अंदर से आप ऑरेंज, मौसम्बी, अनार, दाड़म, नींबू, उसका भी जूस इसके अंदर से आप निकाल सकते हो। दोस्तों, पूरी मशीन ऑटोमेटिक है। दोस्तों, वन टाइम क्रशिंग रेशियो वाली है, गन्ना एक ही बार डालना है, बार बार डालने का जरूरत नहीं है। प्लस इसके अंदर डस्टबिन भी डाला हुआ है, जो उसका वेस्टेज कचरा रहता है उसके अंदर ही चला जाएगा। दोस्तों, पूरी मशीन स्टेनलेस स्टील से बनी है, आप देख सकते हो। दोस्तों, पूरी मूवमेंट कहीं पे भी इसको हिलन चिलन मूवमेंट भी आप कर सकते हो मशीन को, कहीं पे भी लोहा या एमएस का यूज नहीं किया दोस्तों। प्लस इसके अंदर हमने डबल ऑप्शन दिया है दोस्तों, डबल मतलब गर्म जूस भी निकाल सकते हो, ठंडा जूस भी आप निकाल सकते हो, 2-in-1 मशीन दोस्तों। जो कस्टमर बोलता है कि हमको ठंडा नहीं चाहिए, नॉर्मल टेम्परेचर का चाहिए, तो आप नॉर्मल दे सकते हो। जो कस्टमर बोलता है उनको ठंडा चाहिए, तो उनको आप ठंडा जूस भी दे सकते हो। दोस्तों, आप देख सकते हो पूरी मशीन, इसमें हमने हेवी ड्यूटी क्रशर मशीन लगाई है, शुगर केन क्रशर है, वन टाइम क्रशिंग रेशियो वाली मशीन है। एक ही बार गन्ना डालना है, बार बार गन्ना डालने की जरूरत नहीं है। एक बार गन्ना डालेंगे, इसका वेस्टेज जो रहता है कचरा सीधा नीचे वेस्टेज बॉक्स में चला जाएगा, और यहां से उसका जूस पूरा गाल के छान के सीधा यहां से ठंडा होकर निकलेगा। जो कस्टमर गर्म मांगते हैं, यहां से आप नल खोल के गर्म निकाल के दे सकते हो। थोड़ा जूम कीजिए, वीडियो दिखाइए, यहाँ आप इसका गन्नी भी दिया, देखिए दोस्तों ये पूरा गल के निकलेगा। यहाँ पे झाली है, जो कचरा वेस्टेज गन्ने का जो छोटा छोटा बारीक कचरा रहता है, यहाँ से पूरा गल जाएगा दोस्तों, ये आप देख सकते हैं पूरा। कोई कस्टमर, आपने यहाँ पे अगर गन्ना डालते हो दोस्तों, कोई कस्टमर मांगते हैं गर्म जूस चाहिए, तो यहाँ से आप उसको निकाल के गर्म जूस दे सकते हो। ये गर्म है, ये गर्म जूस निकल सकता है इसमें। ये अभी हमने पानी डाला है इसके अंदर आपको दिखाने के लिए दोस्तों, और यहाँ पे इसका टेम्परेचर मीटर है, ये टेम्परेचर मीटर है, आपको कितना ठंडा जूस देना है कस्टमर को, यहाँ से आप उसको ठंडा दे सकते हो। आप देख सकते हैं अभी 21 का टेम्परेचर है, 21 का टेम्परेचर है, आप देख सकते हैं, बंद कर ही दे, यहाँ पे 21 का टेम्परेचर है, आप देख सकते हो दोस्तों। जितना ठंडा ज़्यादा कम ज़्यादा देना है अपने कस्टमर को आप दे सकते हो, मौसम के हिसाब से। गर्मियों का मौसम है तो चिल्ड ने ज़्यादा दे सकते हो, इसको सेटिंग कर सकते हो कि कितना आपको चिल्ड और कितना ठंडा कस्टमर को देना है। माइनस टेम्परेचर तक आप उसको सेट कर सकते हो। अभी का टेम्परेचर 21 का बताया, क्योंकि अभी हमने कंप्रेसर चालू नहीं किया है दोस्तों। कंप्रेसर चालू करेंगे इसलिए धीरे धीरे टेम्परेचर डाउन होगा। स्टार्टिंगली जब मशीन का बिजनेस आप चालू करते हो मॉर्निंग में, तो विद इन 10 मिनट्स के अंदर आपका कूलिंग बैकअप मिल जाता है, 10 मिनट के अंदर 0 या 2 का टेम्परेचर आ जाएगा इसके अंदर दोस्तों, ठीक है। प्लस कस्टमर का रिक्वायरमेंट था कि मेरे को इसमें गिनना है कि कितना ग्लास जूस निकला है, तो उसके लिए हमने काउंटिंग मीटर लगा दिया है यहाँ पे। हमको कस्टमर ने बोला था कि हमने कितना बिक्री किया है पूरे दिन में, वो हमारी मशीन में गिना जाना चाहिए, तो हमने इसके लिए स्पेशल कस्टमर की रिक्वायरमेंट के ऊपर ये काउंटिंग मीटर लगाया हुआ है। इसमें जितना आप ग्लास जूस निकालेंगे वहां से काउंट होगा। जैसे कि अभी 80 ग्लास निकला है इसमें से, अभी हम इसमें से दूसरा ग्लास निकालेंगे। यहाँ पे इसका बटन दिया गया, पुश बटन, आप देख सकते हैं ये पुश बटन है इसका। अभी मैं बटन दबाऊंगा इसलिए 80 का हो जाएगा, 81 हो जाएगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो 80 दिख रहा है, अभी मैं पुश बटन दबाऊंगा इसलिए 81 हो जाएगा, 81 हो चुका है, और यहाँ से जूस निकल रहा है, आप देख सकते हैं ये पूरा ग्लास भर चुका है, ये भर के फिनिश हो चुका है, ये ग्लास भर चुका है, यहाँ पे 81 ग्लास आ गया अभी। और हमने इसमें 2 हेड दिए अलग अलग, अगर स्पीड ज्यादा है, गिरा की ज्यादा है, तो दूसरे आप हेड से भी जूस निकाल सकते हो, दूसरा हेड है इसका, आप देखिए इसमें भी अगर आप निकालेंगे तो 81 का भी 82 हो जाएगा, यहाँ पे 81 है उसका 82 हो जाएगा, अब देखिए 82 हो गया, इसमें भी 100 निकल रहा है, आप देख सकते हैं जूस निकल रहा है। अभी हमने पानी डाला है, बाकी आप जूस निकालेंगे तो जूस निकलेगा इसमें से, आप देख सकते हैं।
प्लस हमने यहाँ पे एक पानी का हेड दिया गया है, मिनरल वाटर का, किसी को पानी पीना है तो पानी भी दे सकते हो, अगर कुछ साफ सफाई धोना है तो यहाँ पे पूरा ट्रे जाली दिया गया है हमने, ये पूरा ट्रे जाली है इसका, तो यहाँ से इसका नल खोल के पानी भी निकलेगा, आप देख सकते हैं पानी निकल रहा है। जिसको वाटर पीना है या साफ सफाई करना है या इसको क्लीन अप करना है तो उसके लिए पानी का भी ऑप्शन हमने अलग से दिया है। प्लस यहाँ पे ऑरेंज जूस है, आप देख सकते हैं जिसमें ऑरेंज, नींबू, मौसम्बी, दाड़म, अनार, ऐसा कोई भी फ्रूट का भी जूस आप कस्टमर को दे सकते हो दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों पूरी मशीन मूवमेंट वाली है, इसको कहीं पे भी हिला चिला सकते हो, मूवमेंट कर सकते हो मशीन को, आप देख सकते हो। मैं थोड़ा इसका घुमा के भी आपको बताता हूँ मशीन को, मैं थोड़ा मशीन को बंद कर देता हूँ क्योंकि अभी हम उसको मूवमेंट करेंगे, इसलिए मशीन को स्टॉप कर देंगे। ये मशीन का साइड लुक है इसका, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे हमने डस्टबिन है, जो कचरा वेस्टेज है ये डस्टबिन में चला जाएगा सब, ये पूरा हेवी ड्यूटी डस्टबिन है और पूरा फोल्डिंग है, कहीं पे भी निकाल के आप इसको वेस्टेज बॉक्स में डाल सकते हो, जैसे ही खत्म हो गया वापस इसको रिकंटिन्यू यूज डाल सकते हो, रीयूज में जाने देना इसको। इसका दूसरी साइड का लुक आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं पूरा, ये दूसरी साइड का लुक है पूरा इसका। जो कस्टमर ने नाम बोला था यू वन ब्रांड कर दिया है, जो कस्टमर पीने आएगा तो यहां से आपके पास पीने जाएगा, आगे वाला उसको बना के देगा, जो बंदा हैंडल कर रहा है उसको बना के जूस देगा। तो दोस्तों बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी की मशीन है, कहीं पे भी ये बिजनेस लगा के अपना रोजाना 5 से 7 हज़ार का इन प्रॉफिट कर सकते हो बिजनेस करके, बहुत ही अच्छी बिजनेस है। अगर इतनी बड़ी स्पेस नहीं है आपके पास तो ये स्मॉल स्पेस में हमारे पास, ये छोटी स्पेस है, ये भी कूलिंग सिस्टम वाली शुगर केन मशीन है, इसमें भी यहाँ पे ठंडा निकलेगा, यहाँ पे नॉर्मल निकलेगा, सिस्टम फंक्शन सेम है लेकिन साइज छोटा है, इसलिए इसके अंदर आप कहीं पे भी अपना शॉप है, रिटेल काउंटर है, किराने का दुकान है तो वहां पे लगा के अपना भी एक बिजनेस कर सकते हो। इसमें भी ऐसे ही जूस निकलेगा, जैसे यहाँ पे गन्ने का जूस आप गन्ना लेंगे यहां से पूरा जूस निकल जाएगा, ये पूरा गल के यहां से लाइव निकलेगा, आप देख सकते हैं, ये देखिए पूरा, ये भी पानी निकल रहा है उसी तरह उसमें से जूस निकलेगा, उसमें से ये ऑफ हो चुका है। ये दोनों मशीन इलेक्ट्रिक है, पावर से चलने वाली है दोस्तों, विदाउट पावर है मशीन नहीं चलेगी, इसमें पावर देना जरूरी है, रिक्वायर्ड है, पावर का रिक्वायरमेंट जरूरी है मशीनों के अंदर। यहाँ पे इसका डस्टबिन दिया गया, वेस्टेज या कचरा आता है तो ये वेस्टेज बॉक्स है इसका, ये पूरा हैवी ड्यूटी बाउल हमने बनाया, इसके अंदर कचरा वेस्टेज जो भी शुगर केन का है उसके अंदर पूरा एंटर हो जाएगा, एक साथ 50-60 किलो कचरा भर जाएगा इसमें। ये बाउल हम इसको वापस लगा देंगे, लग चुका है, इसमें भी टेम्परेचर मीटर है, जितना ठंडा चिल्ड चाहिए अलग अलग मॉडिफाई कर सकते हो उसके अंदर। उसके बाद दोस्तों हमारी ये मशीन है बैटरी ऑपरेटेड शुगर केन विदाउट पावर, पावर की कोई गुंजाइश नहीं है, रिक्वायर्ड नहीं है दोस्तों, मशीन बैटरी से चलने वाली है और बैटरी मशीन के अंदर लगी हुई है, आपको अलग से बैटरी लगाने का भी जरूरत नहीं, एक बार चार्जिंग फुल करेंगे दोस्तों 5 से 6 घंटे का फुल बैकअप मशीन देगी। वन टाइम क्रशिंग रेशियो दोस्तों, एक ही बार में गन्ना आपको 97% क्रश निकालेगा, एक बार गन्ना डालना है पीछे से पूरा चूरा निकलेगा, बिखर के निकलेगा, पूरा गन्ना भी नहीं निकलेगा दोस्तों कि आप उसको दोबारा डाल पाए दोस्तों। तो आज की 100% सक्सेसफुल 2022 की सबसे लेटेस्ट मशीन है, कस्टमर का रिक्वायरमेंट था कि उनको हेवी व्हील्स लगाने, ये जो ट्यूब टायर वाले जो स्कूटी है, एक्टिवा है, मोपेड गाड़ियों में जैसे टायर लगते हैं वैसे हमने टायर इसके अंदर लगा दिए हैं, कस्टमर की रिक्वायरमेंट के ऊपर कि उनको हैवी व्हील्स चाहिए, जैसे उसको मूवमेंट कहीं पे भी हैवी जगह, उसका रास्ता खराब है, खड्डे वाला रास्ता है तो उसको हिलन चिलन करके आराम से आसानी से उसको मूवमेंट कर सके, या किसी गाड़ी टू व्हील के साथ बांध के भी उसको 2-4 किलोमीटर 6 किलोमीटर 8 किलोमीटर दूरी ले जाना है तो ये मशीन लेके दूर ले जा सकते हैं इसको। इसका भी नीचे यहाँ पे वेस्टेज का बॉक्स भी आएगा और वेस्टेज जो ड्रॉ मटेरियल है, जो गन्ना है, गन्ना यहाँ पे आप 100-200 किलो गन्ने के पीसेस करके इसमें डाल सकते हो, रॉ मटेरियल भी साथ में ले जा सकते हो मशीन के अंदर। ये मशीन भी पूरी स्टेनलेस स्टील से बनाई है, कहीं पे भी लोहा या एमएस इसमें भी यूज नहीं किया है दोस्तों। मैं ये मशीन का भी आपको थोड़ा साइड लुक बता देता हूँ, वैसे ये मशीन अभी ऑलरेडी स्टार्ट ही है, मैं आपको चालू करके भी बताता हूँ, आप देखिए यहाँ से बटन लगाने से चालू हो जाएगी, यहाँ से दिखाई जोड़ा के डिस्प्ले उसका, और डिजिटल डिस्प्ले दिया गया, बैटरी कितना चार्ज है डिजिटल डिस्प्ले पे आपको शो करेगा यहाँ पे,
मशीन स्टार्ट हुआ है, देखिए यहाँ पे डिजिटल डिस्प्ले दिख रहा है। मोबाइल में जैसे बैटरी बताता है वैसा बैटरी बताएगा कि कितना परसेंट आपका मशीन में चार्जिंग बाकी है और कितना परसेंट बैटरी यूज हो गई है उसके अंदर। यहाँ पे इसका चार्जर दिया गया है, बैटरी को चार्ज करना है तो इसका हम चार्जर भी साथ में देंगे। रात को जब चार्जिंग करना है तो यहाँ से आप लगा के चार्जिंग भी कर सकते हो उसके अंदर। मशीन का थोड़ा आपको मैं साइड लुक भी बता देता हूँ। मैं आप देख सकते हो पूरी कहीं पे भी इसको मूवमेंट कर सकते हो आप, ऐसे हिलन चिलन कहीं पे भी ले जाना है इसको, ये मूवमेंट कर सकते हैं आप इसको। आप देख सकते हो पूरा साइड लुक इसका। तो कस्टमर ने नाम बोला था वेदिका जूस सेंटर, वो नाम भी हमने लिख दिया है दोस्तों। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा कंपनी का डिजाइन, लोगो, डॉल्फिन अप्लायंस के सर्टिफिकेट्स, कस्टमर केयर नंबर, सब डिटेल्स इसके अंदर मेंशन कर दिया है। और बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की पूरी स्टील की, आप देख सकते हो उसका पाइपिंग भी स्टील से हमने यूज किया टोटली इसके अंदर, कहीं पे भी क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं किया दोस्तों इसके अंदर। तो दोस्तों इस तरह की बेहतरीन क्वालिटी की शुगर कैन मशीन, ओनली मशीन चाहिए आपको, खाली मशीन ही चाहिए, कूलिंग बिना की तो खाली मशीन भी मिल जाएगी, खाली मशीन चाहिए बैटरी ऑपरेट वाली खाली मशीन मिल जाएगी, कूलिंग सिस्टम वाली मशीन चाहिए तो भी मिल जाएगी, हैंड ऑपरेट मशीन चाहिए तो भी मिल जाएगी। बहुत सारे अलग अलग मॉडल्स दोस्तों हमारे पास अवेलेबल है। तो ज्यादा डिटेल्स, ज्यादा मॉडल्स की जानकारी के लिए डॉल्फिन अप्लायंस में एक बार जरूर कॉन्टेक्ट कीजिए दोस्तों। हमारी कंपनी का कॉन्टेक्ट नंबर यहाँ पे मेंशन किया गया है दोस्तों, 9638234133। दूसरा नंबर है 7575050675। मंडे से लेकर सैटरडे तक सुबह 10 बजे शाम को 6 बजे तक कभी भी कॉल करके हर एक डिटेल्स फंक्शन जानकारी ले सकते हो दोस्तों। और दोस्तों वीडियो पसंद आई तो एक बार लाइक जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग और वीडियो।